श्री सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, आपका है। हाँ, बाद में इकट्ठी बांट सकते हैं। कौन ज्यादा लोग बाद में इकट्ठी बांट सकते हैं, 5-10 मिनट लगना। बैठो, बैठी जाओ। माइक लीजिए। कहाँ रहते हैं? हम आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ओ, आंध्र प्रदेश में कहाँ? महादेव का मंदिर है। ओ, यहाँ कैसे आ गए? मैसेज आया कल। ओ, संत ने भेजे। कभी धाम गए? बागेश्वर धाम एक बार ऐसा जान से रास्ता पे गया, लेकिन नहीं गए, पहुंच नहीं पाए। एक बार कोशिश किया, नजदीक आओ। नहीं, कोशिश कर। अच्छा, अब जाओगे कि नहीं? जरूर जाएं। अच्छा, पूछो क्या बात है। नहीं मालूम है, सब मालूम है। लिख लिया। आपको हमारा लैंग्वेज समझ आ रहा है? समझ आ रहा है। हाँ। सब मालूम बोल के रात ही बताया। क्या बोल रहे? आपको सब मालूम बोल के बोल रहा है उन्हें। अच्छा, मेरा गुरुजी। अच्छा, आपके गुरुजी हमारे पास भेजे। कौन है आपके गुरुजी? उसका नाम है नारायण। नारायण, वाह। कहाँ रहते हैं आपके गुरुजी? मेरे को दर्शन दिया श्रीशैलम में। ठीक है, पूछो। जो सब मालूम है बोल के बोल दिया, हम कुछ नहीं बोले, जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं। अच्छा, बस इसमें 3 प्रश्न आपके आए हैं। बहुत परेशान चलते हैं आप, शरीर पीड़ा बनी रहती है, वह साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना चाहते हैं जिससे लोगों का भला करें, वह देव शक्ति कृपा प्राप्त हो सके, ऐसी अर्जी लेकर के आप दरबार में आए। यही विषय, बालाजी कृपा करेंगे, मार्गदर्शन प्राप्त होएगा। दरबार के बाद हम आपको 5 मिनट का समय देंगे, देवी कृपा का साक्षात्कार कर पाएंगे। आशीर्वाद 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 है। बराबर माइक से बोलो ना। बराबर है। यहाँ किसी को पहले से बताया तो नहीं? नहीं 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 बताया। किसी ने पूछा तो नहीं? किसी ने नहीं पूछा। हम बताएगा नहीं। हम कभी आता है किसी को मालूम, कभी जाता है किसी को मालूम नहीं। क्योंकि पूर्व में भी अनेक गुरुओं के संगति आप कर चुके हैं, लेकिन सच गुरु हो ये श्रीशैलम। हाँ, तो उससे प्रत्यक्षता प्राप्त नहीं हुई है। नहीं हुआ। प्रत्यक्षता प्राप्त नहीं हुई है। अब प्रत्यक्ष साधना के पीछे बहुत घूम रहे हैं। आपने बहुत स्ट्रगल भी किया, स्ट्रगल का मतलब मेहनत बहुत की साधना को लेकर के। सिर में बोझ भी बनता है, सिर में बोझ भयंकर बनता है, कई बार आवेश बहुत आ जाता है, क्रोध आपा खो बैठते हैं, पागलों जैसी हरकत हो जाती है। बालाजी कृपा करेंगे, आपको धाम पहुंचना है, जरूर कवच वहां से प्राप्त होगा। हम 5 मिनट दरबार के बाद आपको देंगे, चूंकि ये माइक और टीवी पर दरबार है, तो टीवी संस्कार पर पूरे भारत में चल रहा है, चल रहा है, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि ये साधना सब तक पहुंचे। सब तक पहुंचे, क्योंकि मंत्र गुरु और धन, देखो 4 चीजें गांठ बांध लो, अपनी शक्ति, पैसा और पत्नी और गुरु, इन सबको जो है गुप्त रखना चाहिए। गुप्त, किसी को बताना नहीं चाहिए, नाम भी नहीं बताना है, तो ये बिल्कुल गंभीरता रखनी चाहिए। बोलो श्री सीताराम। श्री सीताराम। कल 3 बजे के पहुंच दिया मैसेज, जब हाँ। बैठने के टाइम में ऐसे निकल के आ गया। वाह, दरबार हो जाए इसके बाद समय देते हैं। आप भभूति कहाँ हैं? एक मंत्र हमने इसमें लिखा है, तब तक जप करिए, पीछे बैठिए, हम विधि कर देते हैं। यहाँ रखो, बैठ जाओ, खड़े होने की आवश्यकता नहीं। तो एक विधि हम कर देते हैं अभी तुरंत में, ये है मंत्र। हिंदी समझ आता है? हिंदी समझता है। अच्छा, आप वहाँ बैठा रखे, सबको हिंदी समझाते जाओ, ये समझाते जाएंगे मंत्र विधि। चलो खुश हो, बैठो। बोलो बागेश्वर धाम। पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है बागेश्वर बालाजी का दरबार, कि आपके मनोभाव में क्या प्रश्न है ये पर्चे पर लिख दिया जाएगा, आप पूछेंगे क्या ये पर्चे पर लिख दिया जाएगा। आपकी क्षमता नहीं है कि आप पर्चे से बाहर पूछें।
वरना अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़े, देखकर विश्वास करें कि ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है। लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ अपना तर्क। इसके बाद अगला आदेश, श्री सीताराम बालाजी महाराज की, अरे हनुमान जी महाराज की, माताओं में से इस लाइन से दूसरे नंबर पर जो हो आ जाइए। बैठिए, कहां से आए हैं, माइक नजदीक करिए। हाँ, माइक नजदीक करूं। चेन्नई में कहाँ रहते हो? अन्ना नगर में। अच्छा, बागेश्वर धाम का नियम कर लेंगे? हाँ। उपाय कर लेंगे? हाँ। पहले कभी गए? नहीं। फिर कैसे आना हुआ आपका? मेरे एक धर्म के भाई है। हाँ। उन्होंने मुझे बताया करके कि कोई खतरनाक आदमी आया। नहीं 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 नहीं, उन्होंने आपके बारे में बताया। अच्छा। तो उन्होंने कल मेरे को मैसेज भेजा। हाँ। तो उनके बोलने पे मैं इधर आ जाई हूँ। वो झूठे, वो झूठा बोले होंगे। नहीं, झूठ नहीं बोल सकते वो। अच्छा अच्छा, आओ बहन नजदीक आओ, कोई बात नहीं, आप लोग भी बैठ ही जाओ। ये कुर्सी डालो ना, डालो, लो बैठो बैठो बैठो, अभी तो जगह है, थोड़ी देर में फूल होगा फिर नहीं मिलेगा। पूछो क्या विषय है आपको? सब कुछ हाँ हमने लिख लिया, आप जो पूछेंगे हमारे पर्चे में है, पूछो। मेरा बेटा 22 साल का। नाम क्या है उनका? दिनेश। दिनेश, हमने लिखा आपके कमर व पैर में दर्द रहता असहनीय, बेटा का दिमाग ठीक नहीं है, हमेशा बीमार बना रहता है, 9 साल से ज्यादा हो गया। दिनेश के पूरे शरीर में कमजोरी है, वजन गिर रहा है, वजन गिर रहा, शरीर कमजोर हो रहा, मंद बुद्धि भी है। लाभ होगा, स्वस्थ होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सामान्य स्थिति नहीं है उसकी बॉडी की। धाम पर पहुंचना है, उपाय वहीं से होना है, विधि वहीं से होनी है। घर पर कोई तंत्र नहीं है, परंतु पितृ दोष है, पितृ शक्तियां हैं जिन्हें पूर्वज शक्ति, आप भाषा समझ रहे हैं हमारी? हाँ। पितृ दोष है, पितृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियों के कारण ही शरीर में दिक्कत बनी रहती है। बीच बीच में आवेश बहुत आ जाता है, आवेश बोले तो गुस्सा, गुस्सा आता है, भयंकर हो जाता है, बात नहीं सुनता है, अपने मन का अत्यधिक करता है और पागलों जैसी हरकत करता है बीच बीच में, और बहुत दिनों के लिए आराम भी लग जाता। पूर्व में अनेक बार आपने उपाय करवाए हैं, अनेक विधियां करवाई हैं, और झाड़ा भी देवी का उपाय बहुत करवाया, उसे भी लाभ नहीं हुआ। बालाजी कृपा करेंगे, घर पर आपको 5 दिन की अखंड ज्योति जलानी है, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। लो मैया, चलो वहाँ कौशल हैं, उनसे जाकर के मिलो, वो पर्चा को मंत्र बता देंगे। ऐसे बैठो सामने लाला।